सब्सक्राइब करें इजी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेठी अपने चैनल इजी टेस्टी फूड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा सोया सूपी मोमोज। यह बहुत ही आसानी से घर में बन जाएंगे और ये आटे से ही बन जाएंगे, घर के सामान से ही ये तैयार हो जाएंगे। आप इस तरीके से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और इन्हें स्टीम भी नहीं करना है, ये ऐसे ही सूप में ही तैयार हो जाएंगे और आटे का टेक्सचर बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। इस तरीके से आप एक बार बनाकर जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसे लगे, और अगर आपको बनाते समय कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आटा सोया सूपी मोमोज। मैंने 4 प्याज बारीक काट लिए हैं, 3 छोटे साइज के टमाटर बारीक काट लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया लिया है, थोड़ा सा भुना जीरा लिया है, नमक स्वाद अनुसार लेंगे और काली मिर्च, चाट मसाला टेस्ट के लिए ले भी सकते हैं नहीं भी। 2 गिलास मैंने नॉर्मल पानी लिया है, जितना लगेगा उतना ही हम ले लेंगे सूप के लिए, और 1 गिलास मैंने गुनगुना कर लिया है सोयाबीन का चूरा भिगोने के लिए। हरा धनिया मैंने धोकर बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च मैंने धोकर बारीक काट ली है, 1 शिमला मिर्च मैंने धोकर बारीक काट ली है, 1/2 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने सूजी ली है, 2 टमाटो केचप के पाउच, 8 से 10 लहसुन की तुरियां मैंने धोकर छील ली हैं, थोड़ा सा देसी घी लगेगा 1 चम्मच के करीब, 1 कटोरी मैंने आटा लिया है, 1 कटोरी मैंने सोयाबीन का चूरा लिया है, 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल लेंगे, और अगर आपके पास सोयाबीन का चूरा नहीं है तो आप नॉर्मल वाली बड़ी वाली बड़ियों को पानी में भिगोकर गरम अच्छे से निचोड़कर मिक्सी में पीस सकते हैं। सबसे पहले हम सोयाबीन के चूरे को गरम पानी में भिगो देंगे। ये ज्यादा गरम पानी भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है, मैंने हल्का गुनगुना ही किया है, यह 5 मिनट से पहले ही भीग जाएगा। थोड़ा पानी और डाल देंगे इसमें। ये देखिए कितनी जल्दी फूलने लगा है। अगर आप गर्म पानी नहीं करना चाहते, नॉर्मल में भी जल्दी से ये भीग जाता है। तब तक हम आटा गूंद लेंगे मोमोज के लिए। तब तक ये भीग रहा है 1 कटोरी आटा। आटा कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर ये बहुत छोटी छोटी लोइयां होती हैं, जल्दी से बन जाती हैं, इसलिए आटा कम ही लीजिएगा। मैंने 1/4 चम्मच देसी घी ले लिया है और थोड़ा सा मैं नमक लूंगी, बहुत ही थोड़ा। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे, तीनों चीजों को, नमक, देसी घी और आटे को। और अब इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच सूजी मिलाएंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए, कुरकुरापन आ जाए इसमें। अब 1 चम्मच रिफाइंड मिलाएंगे। देसी घी हमने 1 चम्मच पहले मिला लिया था, और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को गूंदेंगे। ना तो हमें आटा ज्यादा सख्त रखना है, ना ही लूज, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होना चाहिए, और जिससे कि मैदे की तरह टेक्सचर आए। हो सकता है हमें देसी घी और भी डालना पड़े, इसीलिए पानी बहुत ध्यान से डालिए और इसे गूंदते जाइए। हमारा सॉफ्ट तो लग गया है, और ये आटे का है, नॉर्मल आटा जो हम रोटी के लिए लेते हैं। 1 चम्मच सूजी और देसी घी डालते हुए और 1 चम्मच रिफाइंड। ये देखिए हमारा इतना पानी बच गया है, और मैं थोड़ा सा 5 से 6 बूंदे देसी घी और लगाकर अच्छे से इसे और चिकना करूंगी, जिससे कि इसमें मैदे का टेक्सचर आ जाए और लगे ही ना ये हमारे आटे के मोमोज हैं। मैंने वेज फ्राइड मोमोज और सोया स्टीम मोमोज की भी वीडियो डाली हुई है, और दोनों मोमोज की चटनियों की वीडियो भी डाली हुई है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आटा हमारा हो गया है, अब हम इसे रख देंगे और हम स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम सोयाबीन के चूरे को, जो हमारा भीग चुका है, बहुत ही अच्छे से निचोड़ लेंगे, ताकि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। सारे सोयाबीन के चूरे को इसी तरह निचोड़ लेंगे। देखिए सोयाबीन का चूरा मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, और अब मैं गैस ऑन करकर कढ़ाई रखकर रिफाइंड ऑयल डालकर
चाहे तो आप बटर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब छोटे 2 से 2.5 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, इसमें ज्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए। सारी चीजें डाल देंगे, पहले सोयाबीन का चूरा, सूखा धनिया, सब चीजें एक साथ ही डाल देंगे, भुना जीरा, जीरा हमने इसलिए पहले नहीं डाला, हमारा ये भुना हुआ ही था, प्याज, टमाटर, सब अच्छे से कर लेंगे। गैस में 1 मिनट के लिए कम कर रही हूँ, साइड में हरी मिर्च डाल रही हूँ, शिमला मिर्च डाल रही हूँ, हरा धनिया थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी, और काली मिर्च, आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर शिमला मिर्च भी है हमारी, हरी मिर्च भी, तो जरूरत ही उसमें नहीं पड़ेगी। अब मैं गैस तेज कर कर, चाहे तो कम करें या तेज करें, बस इनका कच्चापन निकल जाए और अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसे कर लें सॉटे। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है, कितना सुंदर कलर आया है, और यह हमारे सोयाबीन का चूरा तैयार था, तो बहुत जल्दी से हो गई है। रिफाइंड भी हमने छोटे 2 चम्मच या 2.5 चम्मच के करीब ही डाला था, अब हम इसे निकाल लेंगे। और हम थोड़ी सी आधी निकाल लेंगे, आधी से थोड़ी ज्यादा निकाल लेंगे, बाकी हम उसी में ही छोड़ देंगे सूप के लिए। ये देखिए हमारा आटा कितना चिकना हो चुका है, ये देखिए, अगर आपको हल्का सा भी लगे या चिकना नहीं है, 2 बूंद रिफाइंड, 2 बूंद देसी घी लगाकर दोनों चीजें इसे अच्छे से फिर चिकना करेंगे, और चिकना करते हुए ही इसके हम इस तरीके से पेड़े बनाने शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने से कर लिया है, और जितने बड़े साइज के आपको मोमोज चाहिए, छोटे बड़े या फिर कुछ छोटे कुछ बड़े, उस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। इस तरीके से बहुत आसानी से हो जाएंगे, और आपको पेड़ा बनाने में भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पेड़ा आपका तैयार है। ये देखिए पेड़ा बिल्कुल ही तैयार है। इस तरीके से सारे कर लेंगे, सारे आटे के पेड़े बना लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से करते हुए मैंने कुछ पेड़े काट लिए हैं, और कुछ पेड़े मैं काट रही हूँ, कुछ छोटे कुछ बड़े, इस तरीके से मैं अलग अलग साइज में बना रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही आसानी हो जाएगी, और पेड़े में बनाने में भी टाइम नहीं जाएगा, पेड़े तैयार भी हैं, बने बनाए पेड़े हैं एकदम से, कोई कट नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं। देखिए इन आटे के पेड़ों को बेलने के लिए बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल या आटा नहीं लगाना पड़ा। ये देखिए अगर आपको लगे लोई के पेड़े थोड़े छोटे बन गए हैं मोमोज के, तो घबराइए नहीं, 2 पेड़ों को ऐसे रखिए और बेल दीजिए, बस हो गया, कोई आटा नहीं लगाया सूखा। अच्छा इसमें आप आटा ना लगाइए, या तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लीजिएगा, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या घी, अगर आपने आटा लगाई तो कच्चे आटे का महक आएगी इसीलिए। ये देखिए मैंने सोयाबीन का चूरा भर दिया है 1 प्लेट, जैसे हम साड़ी की प्लेट्स डालते हैं, 2 प्लेट्स 3 प्लेट्स 4 प्लेट्स, 4 भी डाल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5। एक साइड से ये प्लेन है और एक साइड से 5 प्लेट बन चुकी है। अब ऐसे कर इसको इस तरीके से जोड़ दीजिए। ये देखिए हमारी शेप तैयार है। ऐसे ही मैं एक और दिखाऊंगी, हम सोयाबीन का चूरा भरेंगे। अगर आपको लगे सोयाबीन के चूरे ने पानी छोड़ दिया है, तो आप इसको कॉटन के कपड़े में या हैंकी में, साफ हैंकी में इसे निचोड़ भी सकते हैं। और ये देखिए 5 प्लेट्स हो गई हैं, 5 प्लेट के बीच में से पकड़ कर कोना बनाकर ऐसे दबाते हुए हम इसको ऐसे शेप दे देंगे। देखिए कितनी सुंदर शेप तैयार हुई है, हम सभी को ऐसे ही कर लेंगे। जब तक हम मोमोज के लिए
स्टफिंग भरकर पूड़ियाँ तैयार कर रहे हैं। तब तक आप जिस हिसाब से आपको सूप चाहिए उतना पानी बॉयल होने रख दिया। मैंने 2 गिलास डाल दिया था, थोड़ा और 2.25 गिलास के करीब मैं पानी बॉयल होने रख रही हूँ। देखिए पानी बॉयल हो चुका है सूप के लिए। मैं गैस बंद कर रही हूँ और सभी मैंने मोमोज स्टफिंग भरकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक कढ़ाई में छोटे वाले 2.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर, बहुत छोटे जिससे हम खाना खाते हैं, जैसे ही हमारा हल्का सा रिफाइंड गर्म होने लगेगा मैं इन्हें रख दूंगी। हमें ये स्टीम भी नहीं करने हैं और फ्राइड भी नहीं करनी है, बस मैं 3 से 4 मिनट जिससे कि आटे का कच्चापन निकल जाए इन्हें ऐसे ही कर रही हूँ। देखिए हम मोमोज स्टीम भी करते हैं तो हमें 10 मिनट कम से कम रखने पड़ते हैं और ये 1 से 2 मिनट के बीच में ही हमारे ये इतने कम ऑयल में फ्राइड की तरह ही हो गए हैं। इस तरीके से एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमने छोटे वाले चम्मच 2 ही रिफाइंड के डाले थे नॉन स्टिक कढ़ाई में और ये कितने अच्छे से हो गए हैं और कितने कढ़ाई में आए ये उतने ही करने हैं। और देखिए हमारा रिफाइंड ऑयल अभी बच गया है। अब हम उसी रिफाइंड ऑयल में 2 छोटे चम्मच डाल देंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म भी है और चिकनी भी है काफी। और अब हम ये जो हमने मिश्रण तैयार किया था ये डाल देंगे। वैसे हमारा ये तैयार है, जितना आपको सूप चाहिए उस हिसाब से मैं बचा भी रही हूँ और सूप भी हमारा गर्म है, इसीलिए अब हम पानी जो हमने बॉईल करा था वो भी हम डाल रहे हैं, वो भी डाल दिया। अब हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जो हमने 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था अब हम उसका थोड़ा सा पानी डालते हुए एक पेस्ट बना लेंगे और गुठलियाँ ना बने, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनती है, सूप में भी अच्छा फ्लेवर आता है। सूप और ग्रेवी में ये डालने से देखिए कितने झटपट से ही हो गया। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम ये डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने टमाटो केचप के लिए थे, हम ये भी डाल रहे हैं। थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, नमक हमारा वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करी थी उसमें भी है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। और थोड़ी काली मिर्च, अच्छे से बॉयल आने देंगे हम। ये देखिए सब्जियां हमने पहले से ही फ्राइड कर रही थी थोड़ी थोड़ी सी और पानी भी हमने अच्छे से बॉयल कर लिया था तो इसीलिए फटाफट से ही हो गया है। और कॉर्नफ्लोर जो हमने घोला है पानी में वो भी हम इसमें डाल देंगे और गैस कम कर 1-2 बॉयल और आने देंगे। और जो सूप अगर 1/2 मोमोज टूट गया है फ्राई करते समय तो आप उससे चिंता ना कीजिए, उसका सूप में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। देखिए कम गैस कर भी अच्छे से उबाल आ गया है। अगर आपको इसका कलर रेडिश चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से सिर्फ कलर आता है, तीखापन नहीं आता है। और अगर अब आपको टेस्ट बढ़ाना है तो 1/2 चम्मच देसी घी या फिर बटर डाल सकते हैं, मैंने भी डाल दिया है। और इस मौके पे आप अब नमक काली मिर्च टेस्ट कर कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर कम है तो और डाल दें, ज्यादा है तो 1 चम्मच मलाई या थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। और अब हम ये मोमोज थोड़े से इसके अंदर ही डाल देंगे, थोड़े हम अलग से भी रखेंगे और 1 से 2 मिनट बाद हम गैस बंद करके इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारे सूपी सोया मोमोज रेडी हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा चाट मसाला चाहे तो डाल सकते हैं, थोड़ा हरा धनिया ऊपर से भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला इधर भी। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं चटनी और सूप के साथ। ये सूप है, ये चटनी है और इस तरीके से भिगोकर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, आप चाहें तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।